मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। भाजपा से कैंट प्रत्याशी बनाए गए पूर्व विधायक अमित अग्रवाल ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मौके पर मीडिया से उन्होंने यह बात की। तैयारी तो हम 20 साल तक तैयारी ही करी, हमने जनता के बीच में रहे हम 20 साल तक, हमने जनता की सेवा की। आज पार्टी ने फिर सेवा का मौका दिया है तो हम जनता के बीच में फिर आए 2 दशक के बाद जी। और मेरठ कैंट का सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या मानते हैं? मेरठ कैंट का मुद्दा, मेरठ कैंट का मुद्दा जो है, हमने 5 साल में महिलाओं को सुरक्षा दी। हमने छावनी है हमारी तो हमारा देश के प्रति भी कर्तव्य है। हमने सीमाओं को सुरक्षा दी भारत की, और हमने यहाँ विकास किया, सबका साथ रखा, सबका विश्वास हमने जीता है, सबका हमने विकास किया। सपा रालोद गठबंधन की प्रत्याशी हैं, वो जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हैं, वो कह रहे हैं कि अटलांटा बना देंगे। अटलांटा तो वो क्या बनाएंगे, वो तो यहाँ रही नहीं तो वो इसके बारे में जानती नहीं। हम तो कह रहे हैं मेरठ कैंट को और मेरठ शहर को हम गुड़गांव, नोएडा और फरीदाबाद की तर्ज पर विकसित करेंगे। विधायक जी, कोई वर्तमान में कोई आपराधिक मुकदमा जो पेंडिंग है किसी तरह के भर रहे हैं उसके अंदर आप देखिए किस कितने साधारण सब सिविल नेचर के केस हैं, कुछ राजनीतिक केस है, प्रदर्शन का केस है दो। तो अभी क्या स्टेटस चल रहा है मुकदमों का? सब मुकदमों में हाईकोर्ट ने स्टे कर रखा है। और संपत्ति कितना ब्यौरा दिया जा रहा है? सब ब्यौरा उसके अंदर लिखा है। अच्छा, विशेष मुहूर्त में आज विशेष अभिजीत मुहूर्त में बाबा महादेव शिव महादेव के रुद्राभिषेक करके मैं आ रहा हूँ बिल्लेश्वर महादेव से जी। और बाबा अग्रनाथ का आशीर्वाद लेकर आ रहा हूँ। महादेव कृपा विजय होगी, महादेव कृपा करेंगे और ऐसी विजय होगी पूरे उत्तर प्रदेश में, कीर्तिमान स्थापित होगा मेरठ छावनी का। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।